नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेन्स एंड ट्रेवल। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे, ताकि कोई भी नया वीडियो जब भी मैं ट्रेन्स एंड ट्रेवल पर अपलोड करूं वो आपसे मिस ना हो। तो आज का वीडियो भेजा है गोला से प्रशांत मिश्रा ने, और बहुत से सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का जो इंस्पेक्शन होना है वो गोला तक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देखिए, गोला में जो अभी कार्य चल रहे हैं, काम ने तो रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन अभी जो टेक्निकल वर्क्स हैं वो लखीमपुर और गोला के बीच काफी बाकी हैं। तो मुझे जहां तक मेरी व्यक्तिगत अपनी ये राय है और मानना है कि सीतापुर से लखीमपुर का जो सेक्शन है लगभग 42-43 किलोमीटर का, इसका सीआरएस इंस्पेक्शन जैसा खबरों में भी आ रहा है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह तक कराए जाने की उम्मीद है, और जिस प्रकार से कार्य लखीमपुर में चल रहे हैं तो मुझे लगता है अंतिम सप्ताह तक सीआरएस इंस्पेक्शन लखीमपुर तक हो सकता है। जो टेक्निकल वर्क है उनको तेजी से पूरा किया जा रहा है, पॉइंट्स वगैरह बन गए, सिग्नलिंग और जो पैनल रूम का काम है उस पर अब काम चल रहा है, लड़के लगे हुए हैं। तो गोला का अभी सीआरएस होना थोड़ा मुश्किल है, जुलाई अगस्त तक गोला तक सीआरएस इंस्पेक्शन हो सकता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल लखीमपुर तक संभावना ज्यादा है सीआरएस इंस्पेक्शन होने की। तो चलिए गोला में जो चल रहे हैं कार्य उस पर डाल लेते हैं एक नजर आज के इस वीडियो में। यह है गोला गोकर्णनाथ स्टेशन, और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म के कार्य चल रहे हैं, ट्रैक्स बिछा दिया गया है और अब फ्लोरिंग पर काम हो रहा है, पानी वगैरह भरा जा रहा है। ये देखिए सीमेंट के छोटे छोटे स्लैब्स बनाकर यहाँ रखे गए हैं और ढाल करके, और इनको फिर यूज किया जाएगा फ्लोरिंग को कंप्लीट करने में। और टॉयलेट्स वगैरह बन गए, जन सुविधाएं जो होती हैं यात्रियों के लिए वो तैयार की जा रही हैं। काम चल रहा है बहुत तेजी के साथ गोला पर सीआरएस इंस्पेक्शन होने में मुझे लगता है अभी समय लगेगा, जून जुलाई आप मान के चलिए। ये देखिए टॉयलेट्स वगैरह बन गए और लेबर लगी हुई है, काम तेजी से किया जा रहा है गोला स्टेशन पर। फुट ओवर ब्रिज देखिए, उसका भी ढांचा खड़ा हो गया, तैयार है। और ये जो बिल्डिंग आ रही पीले रंग की आप देख रहे हैं पुती हुई, इसमें नया पैनल रूम और कंट्रोलिंग सिस्टम यहीं पर आएगा, बड़ी लाइन की ट्रेन यहीं से संचालित होगी। फिर सफेद बिल्डिंग वो पुरानी स्टेशन की बिल्डिंग, और देखिए जगह जगह पानी पीने की व्यवस्था वगैरह सब बनाई जा रही है, तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है जगह जगह, मटेरियल देखिए डंप है, शेल्टर्स वगैरह अभी बनाए जाने बाकी हैं, शेल्टर्स कहीं पर भी नहीं लगे ना, उनके पिलर्स अभी खड़े हुए, उसका बेसिक जो फाउंडेशन है स्ट्रक्चर वो भी तैयार नहीं दिख रहा है कहीं पर। LED के भी पोल्स लगे हैं कहीं कहीं, और अभी लाइट वगैरह लगनी बाकी है, देखिए मशीनें आ गई, काम चल रहा है। तो मशीन चल रही है, मिक्सर देखिए, सीमेंट कंक्रीट मिक्स किया जा रहा है। ये पीने के नल यहाँ पर लगेंगे पानी के, तो उसकी व्यवस्था की जा रही है और काम धीरे धीरे गोला में चल रहा है अभी। ये बाथरूम के बाहर लेआउट और पुट्टी वगैरह हो रही है, इसकी पुताई का काम चल रहा है, पेंट करके तैयार किया जा रहा है बाथरूम को, फिनिशिंग टचेस दिए जा रहे हैं। और ट्रैक वर्क काफ़ी कंप्लीट है, लेकिन गोला तक अभी मालगाड़ी नहीं आई है, वर्धान तक आई है सिर्फ, और यहाँ पर ट्रैक पैकिंग मशीन काम अपना कर गई है, लेकिन अभी और बैलेंस डाला जाएगा, ट्रैक को पैक किया जाएगा कायदे से, तभी रेलगाड़ियों का संचालन हो पाएगा और सीआरएस इंस्पेक्शन जून जुलाई तक मुझे लगता है यहाँ पर हो, अभी तो संभव नहीं दिख रहा है। इस प्रकार के कार्य यहाँ चल रहे हैं, बहुत सा टेक्निकल काम है जो भी बाकी है, गोला तक होना है अभी, सिग्नलिंग है, कम्युनिकेशन है, उसमें पैनल रूम्स हैं, तो समय लगेगा गोला तक अभी सीआरएस इंस्पेक्शन होने में।